चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे दरिंदे गगन गगन। तो अच्छा ही तो क्या आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे भाई बचाओ। अब इस बार पे हम जाने वाले इसी जगह पे और मार मार के सबकी सच में चमड़े उधर देंगे। आज तो भाई बहुत किल हुए, कम से कम बहुत किल हुए, बताता आगे एक एक करके। और इस वाले वीडियो में बकवास बिल्कुल भी नहीं होगी, बकवास में वीडियो होगा। खैर अभी यहाँ पे उतरते ही मुझे गन तो नहीं मिली थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद दो चार गन मिल जाती है, मतलब एक ही मिलती है और उसमें भी गोलियों की टनसा ही थी। ऊपर से मेरे सामने घूंचू नॉकआउट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा पहले उसको प्रसाद दो। उसके बाद में मेरे टीममेट से मैंने गोलियां भीख में मांग ली और यहाँ एग्जैक्ट मेरे सामने घूंचू था जो कि नेड मॉली लौकी लहसुन फेंकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा भाई इसको कैसे मारूं मैं, मेरे पास एक ग्रेनेड था भाई, मैंने एग्जैक्ट ग्रेनेड फेंका लेकिन वो बंदा बच गया पता नहीं कैसे। ये देखो यही पे तो था ये, इसलिए बहुत हुआ, अभी लगता है घुसाना ही पड़ेगा। चलो भाई चलो भाई। अब ये देखो यहाँ पे रश किया तो वो बंदा यही से गायब हो गया। आ भाई घूंचू कहाँ चुपके बैठे छुपके उधर टीवी भी ले रहा था। और भाई आप यहाँ पे मामला गंभीर होने वाला है, क्यों? क्योंकि मेरे एग्जैक्ट नीचे दो बंदे हैं, मेरे सामने वाले उस खोली में एक बंदा है और उसके पीछे भी उसके दो तीन बंदे हैं, जिनमें से नीचे की खोली वाले को मैं डैमेज देता हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने कहा लगता है रश करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी मुझे आते हैं पीछे से फुटस्टेप, तो मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने कहा भाई आगे जाऊंगा, मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ और पीछे से मेरे को मार देंगे, इसलिए मैं उस कोने में नेट फेंक देता हूँ भगवान का नाम लेके। और अब नीचे वाले को देखते हैं। चल भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ ये कौन कौन छुपे रहा है। चल बड़ा ओ देव से ना, चल बड़ा तू भी। अच्छा भाई पहले वाला बंदा जल्दी मर गया, वरना देवसेना का एक शॉट अगर कनेक्ट हो जाता तो लसन लग जाते। कुत्ते की मौत मैंने इनको डैमेज दिया था। और भाई अब हम इनको लूट रहे थे तभी ये देखो कोई बंदा यहाँ पे मुझले वाला बॉल फेंकता है। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, उसके बाद में एक और फेंकता है। मैंने फिर एक बार कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये देखो अब भाई कितने बॉल तुम्हारे पास। अरे अरे इसकी माँ का चोला, अभी हमारे आगे वाले क्या कम थे कि मेरे पीछे भी कुछ बंदे आ गए। मैं कहता हूँ अगर रश करना है तो मर्दों की तरह सामने से करो, मेरी तरह मगरमच्छ का घात लगाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद ये बंदा ग्रेनेड भी फेंक देता है, तो मुझे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता था। लेकिन वापस आने के बाद ये फिर से मुझे वाला बॉल फेंकता है। अब कितने बॉल है तेरे पास, खुद के बॉल भी निकाल के फेंक दे क्या? और भाई अब बहुत हुआ, लगता है घुसाना ही पड़ेगा। सॉरी बाबू आ भाई खजवे चल तुम भी। और इनका आखिरी बंदा एग्जैक्ट मेरे सामने था रे, लेकिन जरा सा बच गया, वो ट्रैम्पोलिन भाई बन के ऊपर घुस गया। खैर भाड़ में जाए उसको मेरा टीममेट पील देता है तो कोई बात नहीं। और भाई अब यहाँ पे सारा मामला खत्म हो चुका था, तो हम वहां से निकल के आते इस साइड। अब यहाँ पे आते ये देखो मेरा टीममेट क्या कहता है। अरे मेरे भी बंदा है। ठीक है भाई कोई बात नहीं, देखता हूँ इसको। भाई बहुत डैमेज है, मार मार के इसकी चमड़ी दे दी है, कोई भी गलती से भी एक गोली भी मत मारना उसको। भैया नंबर 3 आपका जैसे पंखा चल रहा। आप पहले मैं इस कोने में नेट फेंकता हूँ लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ये इस कोने में नहीं है, तुम कौन से कोने में है? तो फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ इस कोने में देखता हूँ, ये बंदा यहाँ भी नहीं था, अब लेफ्ट वाली खोली में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये 100% उस कोने में ही है और होता भी है। ओ माय गॉड टीपीएस लेके बैठा था। खैर इसे जैसे मारा कुछ बंदे जा रहे थे बैठ के गड्डी में, तो मैंने गोली मारी उनकी चड्डी में जिसका कि कोई फायदा नहीं हुआ। क्या यार मेरा स्प्रे बहुत ही घटिया है गाइस, क्या करूं मैं। अब यहाँ पे 60-70 हजार गोलियां चलाने के बाद मेरे से एक बंदा नॉकआउट हो चुका था और इनके दो बंदे कुत्ते की मौत डैमेज थे, जिनमें से दोनों को कोई और ही नॉकआउट कर देता है तो मैं उसका किल चुरा लेता हूँ, क्योंकि भाई डैमेज तो मैंने ही दिया था ना, है कि नहीं। कोई भले कितनी दूर से भी नॉकआउट करे लेकिन बेटा डैमेज मेरा है तो किल भी मेरा होगा। ऐसा जरूरी नहीं। हाँ वो जरूरी नहीं है, मेरे को पता है कभी कभी कोई हरामी किल भी चोरी कर लेता है, लेकिन आज उसका दिन नहीं था। और भाई अब यार
रात के 5 बजे कौन कपड़े धोता है भाई, सुबह के दिन धोते हैं लोग, मेरे मोहल्ले में कुछ भी चलता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूट के रहा था, उधर बाहर की तरफ बॉटो में घमासान चल रहा था, मैंने कहा एक एक के बाल पकड़ के उखाड़ नहीं पड़ेंगे नीचे के, क्या नीचे के फ्लोर से मैं पानी पी गया था 2 मिनट में, ठीक है बाबा। लेकिन 1 मिनट, मेरा घर तो एक ही फ्लोर का है। ये फंस गया। अबे यार मेरे सारे रिकॉर्डिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, अगर तुमको गेम प्ले में भी कोई साउंड आ रहा है, नॉइस आ रहा है, या फिर मेरे वॉइस ओवर में भी कोई नॉइस आ रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। इस टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं करता, मतलब शांत रहता है वातावरण। पता नहीं है मेरे पड़ोसियों को क्या खुजली मच गई कपड़े धोने की। और भाई इन बंदों को मारने के बाद अब यहाँ पे बारी थी उनकी, जिन्होंने डीपी से इन बंदों को नॉकआउट किया था। अब मैं वहाँ पे जाने वाला था, लेकिन तब मुझे एक गाड़ी दिखती है। मैंने कहा भैया जी गाड़ी पे फायर करने के बाद ये रुकेगा ही, और रुकता भी है। तो भाई मैं इधर बड़ी मुश्किल से पोर्टल बना बना के यहाँ तक आता हूँ, और जैसे यहाँ पे आया मुझे बंदा दिखता है। मैंने कहा ठीक है भाई बंदा दिख गया, ये अगर ओपन में आया तो इसको मार दूंगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा था। जिसके वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही पोर्टल बचा हुआ था, तो मैंने उसको यूज कर लिया, और मुझे केक वाली दुकान से किसी ने भी नहीं मारा था। अब यहाँ पे आते ही बंदा भी इधर ही था, और ये मेरे पोर्टल से यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं फंस गया। हाँ भाई यार ये घोंचू, पता नहीं भाई वो केक वाली दुकान में क्या कर रहा था। ऐसे बंदों की चड्डी में लाल मिर्ची का तड़का लगा देना चाहिए, तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी। क्या भाई अभी मेरा रिकॉल बाकी था, तो मैं वहां से निकल के ऐसा डरा था, और ये देखो मेरे सामने क्या है भाई, 4-5 बंदों की टोली मेरे सामने से गुजर जाती है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ शेरलॉक वाला दिमाग, मैंने यहाँ पे एक फायर करके उन बंदों को वापस बुला लिया, और ये बंदे वापस आने भी वाले थे, तो मैंने यहाँ पे मेरा पूरा प्लान बना लिया था, जैसे ही बंदे वापस आएंगे मैं इनकी पॉटी निकाल दूंगा। लेकिन ये देखो नखरे इनके, अबे भाई तुम एनिमी हो या फिर लड़की, इतने नखरे क्यों कर रहे हो। और इतना दिमाग लगाने के बाद मेरे टीममेट मेरा सारा प्लान चौपट कर देते। शिट, जैसे वो लोग मेरे टीममेट्स को देखते उनके फटके हाथ में आ गए और वो भाग गए। यार मैंने इतना अच्छा जाल बुना था, मकड़ी से भी खतरनाक, तुमने मेरे सारे जाल पे पानी फेर दिया। और भाई मेरे साथ कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जिससे मेरा दिल दहल जाता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओ रे अप्पो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गोली लग के मर गया। अरे यार, जग से हारा नहीं मैं, टीममेट से हारा हूँ मैं। कह रहे हो बंदे वहां से निकल के स्क्वाड हाउस पे जाते, तो हम भी वहां पे जाने का इंतजाम कर लेते। सीधा जाएंगे तो बंदे को उतार देंगे, जिसके वजह से हम यहाँ पे पोर्टल का सहारा लेते। और यहाँ पे आने के बाद मेरा टीममेट देखो आगे जा भी चुका है, और ये आगे जाके करेगा क्या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गेम प्ले तो मैं बना रहा हूँ ना। चले पूरा फिनिश डालूंगा भाई, बाकी चीजें बाद में, पूरा फिनिश गया। अच्छा बेटा तू भी, इसके पास खतरनाक वाली जहरीली गन थी भाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। और अब बचे इनकी टीम के सिर्फ 2 बंदे, जो कि एग्जैक्ट मेरे ऊपर है। यहाँ पे मैं डोरेमोन के चटपटे गोटे का सहारा लेता हूँ, जो कि वेस्ट चला जाता है, तो मैं दूसरा निकाल लेता हूँ। उसमें क्या है, अपने पास बहुत सारा माल है, और नहीं होता तो मैं भीख मांग के ले लेता हूँ मेरे टीममेट से। अब इनके टीम का एक घोंचू यहाँ से भाग जाता है, और दूसरा ऊपर ही था, वो शायद अपने टीममेट्स को रिकॉल देने के लिए गया होगा। चलो भाई, अब इसको मारने के बाद बारी थी इसके टीममेट की। लेकिन ये देखो भाई, दूर से कोई भौंकने की कोशिश कर रहा था। अब भाई कौन है भाई दूर से भौंक रहा है, उसको ना ले जाए साला, बस उसको बाद में देखते हैं। लेकिन मेरे सामने जो बंदा था वो तो अभी बाकी है, उसको तो हम भूल गए, इसलिए मैंने कहा भाई मेरे टीममेट्स लोगों तुम मेरे साथ में आओ, क्योंकि लास्ट वाले बंदे पे होता है खून सवार, उसके टीममेट आग में घी डाल रहे होते, जैसे कोई दिखेगा उसके मार मार के पेटी फोड़ देना, चाहे तुम्हारी गाड़ी मार ली जाए। लेकिन गोलियां तब तक चलनी चाहिए जब तक सामने वाले के मुंह से खून ना निकल जाए। मगर हमारे भाई का सपना सपना ही रह गया। चलो भाई यहाँ पे बातों बातों में अपने 16 किल हो चुके, और पहाड़ी वाले बंदों को भी देखना पड़ेगा
क्योंकि बहुत देर से वो मचमच कर रहे थे। चलो भाई आ जाओ गाड़ी में बैठो घपा घप, सीधा पहाड़ी में घुसाता हूँ। चलो भाई। अब भाई यहाँ पे आते आते हमें थोड़ी सी देर हो जाती है, एकदम छोटी सी देर, लेकिन तब तक सारा मामला शांत हो चुका था। ये बंदे एक दूसरे के अंदर घुसा घुसा के मर गए। यहाँ पे एक टीम का सिर्फ एक ही घुंचू बाकी था, जिसको कि मैं पर्चा देता हूँ। बिल्कुल चलो भाई। और इस पोर्टल को मैं क्या नाम दूं? ऐसी वाहियात जगह पे ये ओपन हो जाता है जहाँ पे इसकी जरूरत नहीं होती, और जहाँ पे ओपन होना है वहाँ पे तो होगा नहीं। खैर उसको जान दो, भाड़ में मैं पहलता हूँ इसको। अब भाई इसको मैंने नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन तभी मेरा दिल दहल गया क्योंकि नीचे एक और बंदा था, वो भी अलग टीम का। थैंक गॉड यहाँ पे मेरा किल चोरी होने से बच गया। खैर गाइस यहाँ पे अपने 20 किल हो चुके हैं, बंदे बहुत ही कम बचे थे, जिसके वजह से हम उठाते अपनी लुंगी और आते इस साइड। अब भाई यहाँ पे आने के बाद मुझे पहले से पता था यहाँ पे बहुत घोर कैंपिंग चलने वाली है, ये तुम मेरे से लिख के ले लो। और होता भी वैसा ही है, ये देखो। ओह शिट, भूतिया बन के इधर उधर घूम रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? भूतिया तू भूतिया नहीं, तू चूतिया है। और भाई यहाँ पे तो मैं किस्मत से ही बचाऊ, वरना मेरे चांसेस बहुत कम थे बचने के। ओह शिट, अबे मार दे भाई, जान से मार दे। बच गया भाई, आखिरकार बच गया। मैंने तुमसे कहा था ना ये मेरा टीममेट बहुत ही खतरनाक है, मुट्ठी मार के नारियल तोड़ देता है, तो इसके लिए एनिमी के लसन लगाना कौन सी बड़ी बात है। और भाई अब यहाँ पे समझो सिचुएशन, हमारे यहाँ पे हो चुके 22 किल, बंदे बचे 6, जिनमें से हमें 4 और एनिमी लोगे 2, और वो दोनों के दोनों एग्जैक्ट कहाँ पे मुझे समझ में आ चुका है, वो मेरे सामने। और भाई यहाँ पे अगर मैं स्प्रे की जगह टपाटप देता टैप टैप तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ पे स्प्रे मारना है, तो फिर ये लो स्प्रे। अब यहाँ पे मैं जितनी चौड़ में हूँ ना उतनी चौड़ में मुझे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पोर्टल का टाइम खत्म हो चुका है और लगता है अब मेरा भी। ओह शिट, अब भाई जरा सा एक्सपोज क्या हो गया, इस बंदे ने तो मेरे लसन लगा दिए। लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, मुझे जोन में जाने से ये क्या इनका लसन भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे एक एक किल जोड़ के मेरे किल कर रहा हूँ, और मेरा टीममेट देखो, यार मेरी टीममेट मेरे को किल ही नहीं करने देते। तुम लोग कहते हो ना हाई किल का गेम प्ले क्यों नहीं आता, तो ये रहा रीजन। और भाई अब यहाँ पे बचा था इनका लास्ट वाला बंदा, जिसको मैं मारने वाला था बहुत ही गंदा। यू नो वेरी वेल, नेट फेंकना है मेरा धंधा, इसलिए मैं डोरेमोन का चटपटा उड़ा निकालता हूँ। और फेंकने की कोशिश कर ही रहा था तभी ये देखो, मेरे टीममेट ने मुझे बताया था कि भाई वहाँ पे नेट है, ये सब चीजें बाद में देखेंगे, पहले मुझे तुम दोनों में से एक बंदा बताओ कि ये बंदे को गोलियां किसने मारी। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मारते तो भी वो बंदा मर जाता, क्योंकि वहाँ पे मेरा ग्रेनेड पहुंच चुका था। खैर कोई बात नहीं गाइस, ये तो होता ही रहता है। आप मुझे बताइए आज का मैच कैसा था। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी पार्ट पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मजदूरी करते ये पे खत्म, तब बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।